नमस्कार, मैथपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित त्रिवेदी। जहां एक तरफ योगी व मोदी सरकार वादे कर रही है 2019 तक कोई भी बिना आवास के नहीं रहेगा, परंतु बरनाल में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां अब तक विधवा के पास अपने रहने के लिए आवास तक नहीं मिला है। अधिकारियों द्वारा अब तक इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल विकास खंड के गांव बनीगवा गड़िया गणेश नगर का है, जहां प्रीति देवी स्वर्गीय महपाल शक उम्र 28 वर्ष जो भूमिहीन होने के साथ विधवा भी हैं। विधवा महिला शौचालय में अपने खाने पीने की सामग्री का उपयोग करती है जिसके बच्चों की उम्र अंशिका 7 वर्ष, आशिकी 5 वर्ष, महिमा 3 वर्ष, अपनी पति की मृत्यु के मुख के कैंसर के चलते 1.5 वर्ष पहले ही मौत हो गई। महिला ने बताया कि हमारे गांव के प्रधान भी आवास के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी विधवा की नहीं सुन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? आप प्रीति जी। हाँ। आप हमें यह बताएंगे कि आपको क्या कारण रहा जो अभी तक आपको आवास नहीं मिला? प्रधान जी जब कहते हैं देखो रुपया दई नहीं, वोट नहीं दिए, सोता से हम आवास नहीं देंगे। हाँ, मेहनत मजबूरी करके बच्चों को पेट पालते, भूखे भी सो जाते। हाँ, आप ये बताइएगा, आप विधवा भी हैं और आपकी पेंशन वगैरह बंदी है? हाँ, सो नहीं बंदी। राशन कार्ड है क्या? ना है, कछु ना है। अच्छा, और मड़ाई अब रात है। आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? कॉलोनी मांग चाहते हैं।